हाँ जी, तो गुड न्यूज फॉर यू, अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं है एंड आप पेटीएम ऐप में अपने अकाउंट को ऐड करना चाहते हो एंड साथ ही अपने यूपीआई पिन को जनरेट करना चाहते हो, तो अब ये बहुत ही आसानी से दोस्तों आप आधार कार्ड के हेल्प से कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है। पहले जो ये फीचर्स था वो कुछ गिने चुने यूपीआई ऐप में थे, लाइक फोन पे एंड ऐसे ही एक दो और यूपीआई ऐप थे जहाँ की आपको ये फीचर्स देखने को मिलती थी, बट अब फाइनली दोस्तों हमारे पेटीएम पर भी ये फीचर्स आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं किस तरह से हम एक न्यू बैंक अकाउंट को अपने पेटीएम ऐप में ऐड कर सकते हैं एंड साथ ही उसका यूपीआई पिन आधार कार्ड के साथ कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो पर। वेल तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो अप टू डेटेड है या फिर नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर आपका पेटीएम अभी भी ओल्ड वर्जन पे रन कर रही है तो सबसे पहले उसे अप टू डेट कर लेना है। एंड अप टू डेट करने के बाद सिंपली से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा एंड देन राइट के टॉप कॉर्नर पे आपको देखने को मिल रहा है आपका प्रोफाइल नेम, तो सिंपली से इस पे आपको क्लिक करना है एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग लिखा देखने को मिल रहा है, सिंपली से इस पे प्रेस करना होगा एंड देन नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एड बैंक अकाउंट, जस्ट प्रेस ऑन इट एंड देन आपका जो भी बैंक अकाउंट है सिंपली से आप यहाँ पे इसे सर्च कर लेना एंड देन ये कंफर्म कर लेगा कि आप किस नंबर के साथ लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक होगा तो देख सकते हो योर अकाउंट लिंक्ड, सिंपली से यहाँ पे देख सकते हो जियो पेमेंट बैंक मेरा अकाउंट था जिसे मैं लिंक करना चाहता हूँ एंड देन आपको करना क्या है सिंपली से इस पे वो प्रेस कर लेना है एंड प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है बट आपके सामने कुछ अलग ही इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई पिन चेंज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बट आप में वहाँ पे आएगा दोस्तों सेट यूपीआई पिन। मैं एक पिक लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा, जस्ट आपको वहाँ पे सेट यूपीआई पिन पे प्रेस करना है एंड मुझे यहाँ पे जस्ट पिन चेंज करना है, तो प्रोसेस सेम है, बस आपको वहाँ पे यूपीआई पिन सेट पे क्लिक करना है, मुझे यहाँ पे चेंज पे करना है। अगर चेंज करना चाहते हो ऑलरेडी से चेंज नहीं है आपका एंड आप पासवर्ड वगैरह भूल चुके हो यूपीआई पिन, तो सिंपली से आप चेंज पे भी क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन देखने को मिला है, फर्स्ट यूज डेबिट कार्ड एंड सेकंड यूज आधार कार्ड। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही मेंशन किया था, इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड के साथ अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा, यूपीआई पिन बना के दिखाऊंगा, सिंपली से सेकंड में आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है यूज आधार कार्ड, नीचे यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर देना है एंड जस्ट प्रेस ऑन प्रोसीड एंड देन यहाँ पे आपको इंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर, तो आपके आधार नंबर के पहले 6 डिजिट को आपको यहाँ पे इंटर करना है एंड देन जैसे ही आप अपने फर्स्ट 6 डिजिट आधार नंबर यहाँ इंटर कर दोगे जस्ट प्रेस ऑन प्रोसीड बटन एंड ये वैलिडेट कर लेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे, एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक वैलिडेट कर लेगा एंड जस्ट आपको प्रेस करना, नीचे टिक बटन देखने को मिला सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना होगा एंड देन अगेन यहाँ पे आपको इंटर 4 डिजिट बैंक ओटीपी, और देखना आपके आधार कार्ड से पहले आपको एक बैंक का 4 डिजिट ओटीपी रिसीव होगा, सिंपली से उसे एंटर कर देना, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो योर कस्टमर योर वन टाइम पासवर्ड इज ये, तो सिंपली से यही आपके सामने यहाँ पे आएगा बैंक की तरफ से, सिंपली से इसे आपको वहाँ पे एंटर कर देना होगा एंड अब यहाँ पे सिंपली से आपको अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है जो भी आप करना चाहते हो। एक बार देने के बाद फिर अगेन आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा आपको वही यूपीआई पिन एंटर कर देना है एंड अगेन जस्ट प्रेस ऑन टिक बटन एंड ये करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली यूपीआई पिन सेट सक्सेसफुली हो चुका है एंड कुछ इस तरह से दोस्तों विदाउट कोई इंटरप्शन आप आधार कार्ड के साथ आप पेटीएम में अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो या फिर यूपीआई पिन सेट कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप अपने न्यू बैंक अकाउंट को पेटीएम ऐड कर सकते हो एंड साथ ही उसका यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हो, वो भी विदाउट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस आप चैनल में देखना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को एनेबल करके रखना है, साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक कर देना एंड साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।